गली के क्या हालात हैं, यहाँ पे कैसे बच्चे जाते होंगे स्कूल के अंदर, कैसे प्रवेश करते होंगे, और यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके हालात आखिर क्या होंगे। एक दो बार हमने पब्लिक हेल्थ ऑफिस में जेई के पास फोन किया था, उन्होंने एक बार साफ करवा दिया और बोले कि बार बार तंग करते हो, इसलिए उन्होंने पाइप में ठा के और वो पत्थर ठोक कर इसको ब्लॉक कर दिया। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मक्खी मच्छर घर में इतने ज्यादा डेंगू मलेरिया फैल रहा है, कुछ डेली बीमार हो रहे हैं, उनको डॉक्टर के लिए जाना पड़ रहा है, कोई समस्या का समाधान हो नहीं रहा। जो यहाँ के शिविर हैं उन्हीं के अंदर जो और चीजें हैं वो लगा दी जाती हैं, यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि इनके अंदर ईंटें लगा करके शिविर को ही बंद कर दिया गया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली में ही, और कोसली में ही जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे प्राइम जगह हैं, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सामने यहाँ पे आपके ठीक सामने आप देख पाएंगे केंद्रीय विद्यालय भांकली यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वो यहाँ पे मौजूद है, और वही ये गली है। और इस गली के क्या हालात हैं, यहाँ पे कैसे बच्चे जाते होंगे स्कूल के अंदर, कैसे प्रवेश करते होंगे, और यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके हालात आखिर क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बुरी तरह से पीड़ित हैं, और पीड़ित हैं प्रशासन की वजह से, क्योंकि प्रशासन इन लोगों के लिए काम करना ही नहीं चाहता, और नहीं क्यों नहीं करना चाहता वो भी सारी चीज़ें यही लोग बताएंगे। इधर आप देख सकते हैं कि घरों के आसपास जो पानी है, जो शिविर का पानी है, वो किस प्रकार से यहाँ पे निकला हुआ है, खचाखच जो शिविर लाइन है वो भरी हुई है, और उसी के कारण जो ये पानी है वो रोड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम है, आप ये बताएं। सर, ये पानी हमेशा भरा रहता है, मच्छर आज से ज़्यादा आते हैं, कोई सफाई करने वाला आता नहीं, ना कोई नाली सफाई करने वाला, ना शिविर वाला जी। एक दो बार हमने पब्लिक हेल्थ ऑफिस में जेई के पास फ़ोन किया था, उन्होंने एक बार साफ़ करवा दिया और बोले कि बार बार तंग करते हो, इसलिए उन्होंने पाइप में ठा के और वो पत्थर ठोक कर इसको ब्लॉक कर दिया जी। नए सीवर साफ़ करने आते हैं, आगे आते हैं जब ये लेबर वाले साफ़ करने आते हैं सीवर, तो क्या करते हैं कि 2:30 बजे आते हैं, 4 बजे भाग जाते हैं, और सीवर में 2-4 फट्टी मार के एक बार पानी निकाले फिर भाग जाते हैं, फिर आगे तो आते ही नहीं, आज तक नहीं आए। तो फिर आप लोगों को परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसकी शिकायत और भी कहीं लगा चुके हैं आज तक? नहीं, पब्लिक हेल्थ ऑफिस में लगाया था फिलहाल, और कोई और अच्छा, उन्होंने किया ये कि इसमें पत्थर और लगवा दिया अंदर। हाँ, जेई से बात की तो जेई बोला कि ये पाइप का कनेक्शन करवाओ और अपने घर के अलग अलग कनेक्शन करवाओ। अब पानी तो सबका आता है, सार्वजनिक पानी है, हम अकेला कनेक्शन करवा लेंगे तो बाकी और का तो पानी आएगा, इसका समाधान क्या है ये बताओ। बहुत बड़ी बात है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी हैं। माता जी आप बताएं क्या तकलीफ है? हमें आने जाने में दिक्कत होती है, और ये डोली भी गिर गई, और गिर जाते हैं बच्चे पानी में गिर जाते हैं, आने जाने में दिक्कत है, मकान की भी दिक्कत है सील आ रही जी। जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन स्थिति यहाँ की जो बनी हुई है वो आपके सामने है, सर क्या कहेंगे? सर, यहाँ पर पानी भरा रहता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मक्खी मच्छर घर में इतने ज़्यादा डेंगू मलेरिया फैल रहा है, कुछ डेली बीमार हो रहे हैं, और उनको डॉक्टर के लिए जाना पड़ रहा है, कोई समस्या का समाधान हो नहीं रहा। तो सामने ही केंद्रीय विद्यालय भी मौजूद है, यहीं से बच्चे यहीं से बच्चे आ रहे जा रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों के मतलब फिसल भी जाते हैं और गिर भी जाते हैं। और ये तो जब है, जब हमने PHED में काफ़ी बार रिपोर्ट मतलब अप्लीकेशन लगाई हमारे नाम से खुद से, बट वो कुछ समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, और ये सिलसिला काफ़ी 6 महीने से चल रहा है, और इस पे सरकार भी मतलब प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं दे रही है, मतलब वो उस पे बात ठोप देता है। विधायक वगैरह के पास कभी गए हैं? नहीं, विधायक के पास हम कभी नहीं गए हैं, बट हमने PHED में काफ़ी बार हमारे नाम से काफ़ी बार एप्लीकेशन लगाई है। बहुत बड़ी बात है, जो लोग हैं वो समझ भी रहे हैं चीज़ों को। माता जी क्या कहेंगे? आने जाने की दिक्कत है जी, आने का करो समाधान, किमी पड़ भी जाते हैं बूढ़े लोग, बच्चे भी पड़ जाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, आप सुनाई करो हमारी। बहुत बड़ी बात है, चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं लेकिन समाधान कोई नहीं है जी। बताएं जी, हमें बहुत परेशानी होती है, बच्चे यहाँ खेलते हैं ये गिर जाते हैं, साइकिल साइकिल चलाते हैं तो मच्छर मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ जी। तो यहाँ तो वैसे भी तो बच्चे तो बहुत आते होंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चे आते हैं, परेशानी तो है ही यहाँ, और
ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो शिकायत वगैरह करते हैं आप लोग? शिकायत भी करी है उस दिन, कल भी आए थे वो, उनकी कही क्या बोल के वो भी बोले आगे एप्लीकेशन दे भी। अच्छा, तब करेंगे। फिर यहाँ तो आप लोग बताए ना कि एप्लीकेशन काफी बार लगा चुके हैं, पब्लिक हेल्थ में लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो करते तो नहीं है जी। फिर इसके अंदर ईंटें वगैरह भी लगाई, ईंटें लगा दी। अच्छा, तो पानी ज्यादा भर जाता है, समाधान की वजह से ईंट लगा दी। पूरा तो आते सफाई भी नहीं करते, वो बोलते हैं हम एक हैं बस। अच्छा, और कोसली में और है ही नहीं सफाई। सरपंच कौन है आपका? विजय पुनिया। यो तो के काम तो कौन ना, तो उसको कभी बताया आप लोगों ने? बताया था। क्या कहते हैं? घर खाली कर दो बस। सरपंच कहते हैं घर खाली कर दो। ये क्या मतलब घर खाली कर दो? किराया भी दे रहा है, घर ही होगा ये भी है, और कितना जाऊँ वो तो भी पानी भरे फिर। वो तो बड़ी बात है, और चीज़ें भी आपकी आंखों के सामने हैं। लोगों को यहाँ तक बोला जा रहा है कि घर खाली कर दो, समाधान करवाना नहीं है, लेकिन घर खाली करने के लिए इनको बोला जा रहा है। आप बताएं क्या समस्या है? भाई निकलने की समस्या है, और बच्चा भी हो ची बड़े हो, यहाँ 24 घंटा देख लियो पानी भरे हो रहा है, कभी भी खाली नहीं मिले। तो बस ये है भाई, मंदिर में भी जावा सा, बाजार में भी जावा हाँ, तो यहाँ रास्ता है ही नहीं भी, मैं निकली है इधर को, हमारा घर है जी। तो घर वाला नहीं परेशान नहीं हो, घर से तो छोड़ कर कहाँ जावा। बिल्कुल बिल्कुल, बातें बड़ी हैं, लेकिन मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि ना प्रशासन का इस ओर ध्यान है, और ना ही जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं उनका भी कोई ध्यान इस तरफ जाता है, बल्कि जो यहाँ के शिविर हैं उन्हीं के अंदर जो और चीज़ें हैं वो लगा दी जाती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि इनके अंदर ईंटें लगा करके शिविर को ही बंद कर दिया गया है। तो आखिर जो पानी है वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? जब प्रशासन को बोला जाता है तो प्रशासन उल्टा इन्हीं को धमकी देता है, या फिर जब सरपंच को बोलते हैं तो वो तो कहते थे यहाँ से घर ही आप खाली कर दीजिए। तो क्या यही एक समाधान बाकी रह गया है? जो बाकी यहाँ के इलाके हैं उनकी भी जो सिचुएशन है वो भी यही बनी हुई है। यहाँ पे सीवर लाइन का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऐसे ही भरा खड़ा रहता है। चाहे मैं पूरी मार्केट की बात कर लूँ, क्योंकि वहाँ भी हालात ऐसे ही बने रहते हैं। चाहे फ्लाईओवर की बात कर लें, इसके आसपास की जो जगह हैं वहाँ भी पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। अगर दो बूंद भी गिर जाए तो वहाँ पे चार चार पाँच पाँच फुट जो पानी है वो खड़ा हो जाता है, और वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे भरा रहता है। तो लोगों की जो आमजन की जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं, प्रशासन का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। वादे बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जो विधायक हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें कर देते होंगे, मैंने ये करवा दिया वो करवा दिया, लेकिन करवाने के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।